बरेली से जहां फरीदपुर थाने के गांव में बेसका निवासी 50 वर्षीय छत्रपाल पुत्र किशन लाल की कल शाम फतेहगंज पूर्वी के गांव निवरिया में हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतक के घर वालों ने बताया कि छत्रपाल कल दिन में फतेहगंज पूर्वी के गांव पुछसिया स्थित अपनी ससुराल गया था, जहां से वापस लौटते समय रास्ते में फतेहगंज पूर्वी के निवरिया गांव के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाली बस फरार हो गई। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, छत्रपाल की मौत हो चुकी थी। मृतक के पास मिले मोबाइल से दुर्घटना की सूचना पुलिस ने उसके घर वालों को दी, जो मौके पर पहुंचे और लाश की शिनाख्त कर ली, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक 9 बच्चों का पिता था। उसकी पत्नी का नाम राम स्नेही था। अरविंद। आपको कौन थे? पापा। कैसे खत्म हो गए, कहाँ गए थे? वो नानी घर पे जा रहे थे। नानी घर पे जा रहे थे, चलिया जा रहे थे, आ रहे थे, आ रहे थे। फिर बस से टक्कर लगी, पीछे से मार दी। कहाँ की घटना है? ये निवरिया टिसुआ से आगे। फिर घर पे आ रहे थे, फिर वो सीओ साहब ने बुलाया था, उन्होंने एम्बुलेंस से पठा दिया नैनी को बरेली। फिर हमारे मामा को बुलाया था, मामा ने बताया था मुझे। फिर मैं यहाँ पे आ गया। वो वहीं ख़त्म हो गए थे, वहीं ख़त्म हो गया। टक्कर भी लगी थी, बस चली गई। वो मजबूरी करते थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।